हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी डिविटी एक्सपोजेस डार्कनेस तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप किसी से ठीक है अगर मिलने वाले हो ठीक है हुम यू आर डिस्टाइन टू मीट एंड क्या है क्यों मिलने वाले हो आप और उनके साथ आपका भाग्य किस तरह से जुड़ा हुआ है ठीक है और अगर आप नहीं मिले हो तो मिलोगे ओके इन फ्यूचर डेफिनेटली सो हु यू आर डिस्टाइंड टू मीट और उसका पर्पज क्या है क्या मकसद है और अगर आपने किसी से भी मिले हो लाइफ में अगर आपके वो जीवन साथी है अगर आपके वो पार्टनर है ठीक है अगर आपके वो स्पेशल पर्सन है तो किस लिए ये मिलन हुआ है या आगे जाके इन फ्यूचर में डेफिनेटली होने वाला है सो so, मतलब डेस्टिनेशन में जो है मतलब डेस्टिनी में जो है ओके okay, आपके पाथ में जो है वो क्यों आपको मिले और मिलने वाले हैं और क्यों मिलने वाले हैं ठीक है सो so, ये जो रिलेशनशिप है वो क्यों इम्पोर्टेंट है ऑन व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू ओके सो यहाँ पे जो चॉइस uh, क्राइटेरिया है वो दो तरह से है आदर तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पिकअप कर सकते हो या आपके जो पिक्चर है यहाँ पे ये जो पिक्चर रखा हुआ है उसके हिसाब से आप कर सकते हो सो दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग जेंडर न्यूट्रल रीडिंग मेल फीमेल सभी के लिए है चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें इंस्टाग्राम में फॉलो करें इंस्टाग्राम का जो आई है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर दिया हुआ रहेगा ओके एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल आई एम आर ट्रैवल एंड फूड ब्लॉगर एंड लाइफ स्टाइल ब्लॉगर इफ यू विश यू कैन सब्सक्राइब उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है तो फॉर ग्रुप नंबर ए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है फर्स्ट से लेके फिफ्टीन तो आप इस ग्रुप में आते हो और अगर आप खटेदा बर्थ है 16 से लेके 31st तो आप आते हो ग्रुप नंबर बी पे अगर आपको ये पिक्चर पसंद आते हैं सो दिस इज फॉर ग्रुप नंबर ए और अगर आपको ये पिक्चर पसंद आता है तो दिस इज फॉर ग्रुप नंबर बी तो चलिए देख लेते हैं कि हु अंडरस्टैंड टू मीन टाइमलेस जनरल न्यूट्रल जनरल प्रेडिक्शन हो सकता है कि रेजोनेट करे हो सता कि कुछ इंफॉर्मेशन हो जो रिजल्ट ना करे तो जो कर रहा होगा प्लीज लेना बाकी को जाने देना सो लेट्स सी यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप ए से और हम देखेंगे सो so, ग्रुप ए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है फर्स्ट से लेके फिफ्टीन तो देख लेते हैं कि आप किस से मिलने वाले हो डेफिनेटली वी आर डेस्टाइन टू मीट और क्या परपज है ओके सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट की मेरे जो व्यूवर्स है वो किस से मिलने वाले हैं डेफिनेटली डेस्टाइंड कौन है और वो पर्पस क्या है विजिट का या मीटिंग का मिलन का पर्पस क्या है फाइव ऑफ पेंडिकल्स ओके दर्मिट वी हैव द सेवन ऑस वर्ड्स ओके दूसरा डेक से हम देख लेंगे पर्पज दी हैव द एस ऑफ वर्ड्स वी हैव द जजमेंट मुझे तो बहुत कुछ अभी समझ में आ चुका है कि क्यों हुआ ये मीटिंग एस ऑफ वैन एट द बॉटम ऑफ द डेग एरीज लियो एजिटेरियस है ठीक uh, है स्कॉर्पियो है एयर साइन में से सारे साइंस आ चुके फायर साइन में से है एरीज में से है स्कॉर्पियो और अर्थ साइन में टॉरस टॉरसो कैप्रिकॉन में है टॉरस ओके सो टॉरस एरीज स्कॉर्पियो आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है और एरीज लियो एजिटेरियस तो है एनीवे सारे साइंस ही है यहाँ पे देखो सॉली ट्यूड है मे बी सम यू हो सकता है कि अभी इस वक्त फिलहाल सिंगल हो या बहुत ज्यादा अकेलेपन आपको महसूस होता है तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे बोला जा रहा है कि द कार्ड ऑलवेज शोज मी यहाँ पे देखो आयदीज आर हनी बीज और एक तरह का इंसेक्ट है ठीक है यहाँ पे तो यहाँ पे इस तरह से मुझे फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप अभी इसलिए अकेले हो या लोनली इसलिए फील कर रहे हो कि यूनिवर्स आपको मतलब इस तरह से वाकिफ करा रहे हैं कि अकेले रहने में भी आपको अंदर अंदरूनी जो है ना वो शक्ति मिलता है जीने का आपको म, आपका जो मकसद है वो पूरी तरह से उसको फुलफिल करने का मतलब आपको स्ट्रेंथ मिल जाता है पावर मिल रहा है आपको ठीक है क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग क्या होता है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने पार्टनर्स के प्रति ठीक है तो यहाँ पे को डिपेंडेंसी नहीं हो ठीक है आप खुद स्ट्रांग बने आप खुद इंडिपेंडेंट बने ताकि जाके जब आप अपने पार्टनर से मिले तो काफी ज्यादा आप पॉजिटिव हो ठीक है मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर दोस्त दैट वेट साइलेंटली ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम्स मतलब ट्रेजर मतलब खजाना तभी मिलता है जब आप थोड़ा सा शांत रहते हो और आप पेशेंटली मतलब धीरज से आप वेट कर रहे हो और उस वक्त बहुत ज्यादा सन्नाटा छाया हुआ है दिस इज अ अट मतलब सन्नाटा है आपके आस पास इर्द गिर्द में कोई नहीं है बट आप अकेले में ही देखो यू आर फीलिंग ओके विद इन खुद ब खुद आप अकेले महसूस कर रहे हो कि मैं काफी हूँ उस वक्त आपके पार्टनर जो है डेस्टाइन पार्टनर जो है आ रहे हैं ओके ना यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो भी पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं काफी ज्यादा वो आपके जो है ना क्लैरिटी आपके लाइफ में अगर कोई कन्फ्यूजन्स है आपको पर्सन जो है ना काफी ज्यादा गाइड करने वाले हैं विद द हार्मेड एंड विद द एस ऑफ स्वर्ड बहुत ज्यादा क्लियर एनर्जी है कि ये पर्सन जो यहां 9, 20, 4, 5 7, 1, है यहाँ पे नाइन ट्वेंटी फोर फाइव एंड सेवन वन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है नाउ ये जो इंसान है ठीक है आपके जिंदगी में इसलिए आ रहे हैं कि आपके लाइफ में जो भी ठीक है क्वेश्चन है हो, कुछ doubts, कुछ कुछ तो this, swear, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हो या आपके माइंड पे चलता रहता है कुछ डाउट्स कुछ इनसिक्योरिटीज कुछ कन्फ्यूशन तो ये पर्सन सब कुछ सॉल्व करने वाले है विदेश और स्वर सबको क्लैरिटी मिल जाएगा आपके लाइफ में कि कुछ घटनाएं क्यों हुआ था और उसको क्यों होना था ठीक है हो सकता है कि यू आर फाइनेंशियली वेरी मच यू कैन से इनसिक्योर आप रहते हो कि फाइनेंसिस को लेके प्रॉफिट को लेके अपने बिजनेस को लेके अपने जॉब को लेके अपने स्टडीज को लेके काफ़ी ज़्यादा आप सेफ फील नहीं करते इस तरह से भी हो सकता है कि आपके घर में बहुत सारे लोग हैं लेकिन आप सेफ फील नहीं करते हो तो ये जो इंसान है आपको वो दर्द से आपको वो तकलीफ से कुछ लोग ऐसे होते हैं आप मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे तो फ्रेंड्स है लेकिन फिर भी अकेले महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनको सिक्योरिटीज नहीं है ठीक ठीक है है क्योंकि मैनेजमेंट स्टडीज इमोशनल डिफरेंट साइकोलॉजिकल नीड्स देर आर डिफरेंट फिजिकल नीड्स ऑल द नीड्स आर देयर तो यहाँ पे क्या है ना सेल्फ एस्टीम नीड्स आर देयर ओके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आर देयर तो यहाँ पे आपको ये पर्सन वाकिफ कराएंगे कि आप कौन हो शायद आपके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको कोई मोटिवेशन देने के लिए है ही नहीं ये पर्सन आपको गाइड करने वाले है ये आपको बहुत ज्यादा ठीक है नॉलेज देने वाले है बहुत ज्यादा आपको रास्ता दिखाने वाले इंसान ठीक है द हारमेट इज ऑलवेज द पर्सन हु शोज द पाथ ठीक है लाइट देने वाले आपके जो अंधेरा है उसमें रोशनी देने वाले है ठीक है बहुत ज्यादा माइंड पे आपको चल रहा है बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे फोल्डेड है सब कुछ कुछ चीज अनफोल्ड होना जरूरी है कुछ चीज बाहर आना जरूरी है ठीक है तो इस तरह से वो आपको मोटिवेट करेंगे मुझे लग रहा है कि कोई आपके जिंदगी में आए थे तो काफी ज्यादा आपको हर्ट करके ठीक है आपको डिसीव करके चले गए ये पर्सन डेफिनेटली जो आने वाले हैं आपके साथ एक नई शुरुआत वो देखते हैं ठीक है एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है ये पर्सन आपको जो आ रहे इसलिए आपके जिंदगी में ताकि आप हो सकता है कि आप कमिटमेंट के लिए राजी नहीं होते हो या हो सता है आपको कमिटमेंट देने में डर लगता है मे बी दिस इज पॉसिबल बट ये पर्सन जो है ना आपके रूह से कनेक्टेड है दे आर कनेक्टेड विथ योर सोल एंड स्पिरिट एंड योर माइंड एंड बॉडी इन द थ्री डी लेवल थ्री डी लेवल पे आपके साथ वो कनेक्टेड है आप फील कर पाओगे इस इंसान को अपने जहन में अपने शरीर में अपने दिमाग में अपने दिल में

इज प्लेइंग आ इम्पॉर्टेंट रोल ओवर हियर प्रेयर्स आर प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे मन्नत है यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है शायद आप देख पा रहे हो कार्ड्स को हाँ तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि यू आर प्रेइंग लिटरली ठीक है बहुत टाइम के बाद आपको पेशेंस यहाँ पे रखना है ठीक है और समय जिस तरह से जा रहा है वक्त जिस तरह से चला जाएगा फिर धीरे 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 सबको सही हो जाएगा आप रिलीफ हो जाओ जिसमें मैंने बोला की विल बी रिलीफ यूनियन स्पिरच ऑलरेडी देर स्पिरिचुअल ऑलरेडी हो चुका है सिर्फ फिजिकल रियलिटी में एक्साइटमेंट रिलेशनशिप लेके आपके जिंदगी में आ रहे हैं ओके एंड दिस पर्सन मुझे लग रहा है जिस तरह से फाइव ऑफ पेंडिकल्स का कार का जिस तरह से आप मायूस हो रहे हो इनसिक्योरिटीज हो रहा है ये पर्सन आने से आपकी जिंदगी में देखो तरक्की हो रहा है सो वाई दिस पर्सन इज कमिंग बिकॉज टू गिव यू द मोरल सपोर्ट आपको सपोर्ट देने के लिए आपको गाइडेंस देने के लिए आपको कमिटमेंट देने के लिए आपको, promises करने के लिए, आपको एकदम मजबूत एक की तरह एक स्टील की तरह ठीक है तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है मुझे काफी ज्यादा ये पर्सन जो है अब है ये काफी ज्यादा नॉलेजेबल है इनका इनका काफी ज्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज भी बहुत ज्यादा हो सकता है ओके ये पर्सन टीचर प्रोफेसर गाइड मोटिवेटर स्पीकर कोच ट्रेनर जज लॉयर एनीथिंग कैन बी ठीक है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट सिक्योरिटीज़ ठीक है कुछ इस तरह से इंडस्ट्रीज में ये हो सकता है मे बी अलर ओके मे बी दिस पर्सन स्पीक्स टू मच बहुत ज्यादा बात करते ही आप बहुत ज्यादा बात करना शुरू कर दोगे शायद आप ज्यादा बात नहीं करते थे इंट्रोवर्ट थे लेकिन इस पर्सन से मिलते ही आप अचानक से इनके साथ ऑटोमेटिक फ्लो होना शुरू हो जाएगा एनर्जी का ठीक है क्योंकि ये पर्सन आपके जो थ्रोट चक्रा है इसको आपका हील करने वाले इंसान शायद बहुत ज्यादा धोखा खाने के बाद आप भूल गए थे लोगों के साथ खुल के बात करना तो ये पर्सन आपको वही सिखाने वाले हैं अब मुझे लग रहा है आपने शायद इसी पर्सन का ठीक है अंदर ही अंदर इस पर्सन जैसे कोई किसी का ख्वाब देखा था जो पूरी तरह से आने वाले हैं, ओके okay? अभी हम देख रहे हैं वाई यू विल बी मीटिंग एंड स्टिल आप इस पर्सन से क्यों मिलोगे क्या पर्पज रहेगा मीटिंग का द गार्डन ओके वेट द गार्डन देखा द गार्डन द गार्डन एंड द मेचोरिटी आई टोल्ड यू

जब बात आता है एक्सप्रेस करने के इमोशंस को हो सकता है कि आप नहीं कर पाते या आप डरते हो करने से लेकिन आप कर पाओगे इस इन, इन ये जो एनर्जी है आपके लाइफ में जो आने वाले इंसान काफी ज्यादा मुझे लग रहा है आपको मैच्योर करने से मतलब आपको बहुत ज्यादा मतलब मैं बता सकती हूँ जैसे मैंने आपको बताया था कि गाइड करने वाले इंसान आप देख रहे हो यहाँ पे गाइड कर रहा है ओके दे मे बी और कोच दे मे बी और इंस्ट्रक्टर दे मे बी और टीचर दे मे बी और प्रोफेसर व्हाट एवर बी इट इज ठीक है दे आर देर कमिंग टू टीच यू सम लाइफ लेसन वो आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं कुछ दान देने के लिए आ रहे हैं ठीक है कुछ पढ़ाने के लिए आ रहे हैं कुछ आपको सीख देने के लिए आ रहे हैं ताकि आप अपना जो है थॉट्स जो है आप वो एक्सप्रेस करो लिख पा रहे वो चीज को समझ में आ रहा है ना यहाँ पे देखो सारे कैंडल्स है यहाँ पे रोशनी देने के लिए आ रहा है उजाला करने के लिए आ रहा है आपके लाइफ में ठीक है आप बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में आप दोनों ही बहुत ज्यादा ग्रो करोगे एंड यू विल बिकम अ पावर कपल ऑल टूगेदर दिस इज द गार्डन एंड दिस इज द गार्डन एंड इसका मतलब क्या है आपको समझ में आ रहा है द हनी मून फेज ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पर्सन इस पर्सन के साथ आपका हनीमून फेज स्टार्ट होने वाला है देखिए देखो यहाँ पे देखो सारे स्टैचूज है आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हो शायद आपको वक्त ही नहीं है फुर्सत ही नहीं है बट ये पर्सन आपको सिखाएंगे कि इस काम में भी आपको एंजॉय करना पड़ेगा इस प्रेशर में भी आपके लिए वक्त रहना है किसी के लिए आपको वक्त निकालना पड़ेगा ठीक है ताकि आप अपने लाइफ में भी एंजॉय कर पाओ सिर्फ काम 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 में भी यू आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन सम वर्क या कोई बहुत ज्यादा आप चिंता करते रहती हो मे बी और ओवर थिंक तो ये पर्सन सिखाएंगे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए थोड़ा सा चिल हो जाइए अपने लाइफ में और सारे जो है ना सबसे सुंदर चीज को एंजॉय कीजिए लाइफ में द बेस्ट थिंग्स यू डेफिनेटली नीड टू एंजॉय आर लॉट ओके सो यहाँ पे यही कनेक्शन जो है यही दिखाने वाला है आपको सो मे बी यू आर डेस्टाइन टू मीट फॉर दिस रीजन ये रीजन के लिए आप मीट जरूर करने वाले हो बिकॉज यू आर गोइंग टू अटेंड दैट मैच्योरिटी लेवल वो मैच्योरिटी लेवल वो स्पिरिचुअली मैच्योर ओके आई एम नॉट टॉकिंग अ प्रोफेशनली मैच्योर स्पिरिचुअली आप मैच्योर होना सीखोगे और आप अपने वक्त को सही से यूटिलाइज करोगे आप बहुत कुछ लर्न करोगे इस प्रोसेस में ठीक है अंदरूनी अंदर डिस्कवर कर पाओगे हु इज द रियल यू कौन हो आप ये इंसान आपको शायद एक मिरर की तरह हो कि आपको दिखाए आपके फॉल्ट कहाँ हैं आपके पॉजिटिव साइड कहाँ हैं आपके स्ट्रेंथ कहाँ हैं आप और कैसे अपने लाइफ में इंप्रूव कर सकते हो एक जीवन साथी की तरह ऑफकोर्स ये जीवन साथी ही आपके वन आ से रू का कनेक्शन क्यों है यहाँ पे स्टार देखो दिस पर्सन इज कनेक्टेड विद विदेश स्टार है यहाँ पे सो डेस्टाइंड मीट है ये ठीक है ये होना ही पड़ेगा ठीक है लास्ट हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं इस कनेक्शन में कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूं टी जी आर एन एम वाई ए जे ई एस ओके एच आई पी ए एल यानी इनिशियल्स अगर नहीं मैच हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है मैं इनिशियल्स भी निकाल दूंगी सिर्फ कार्ड से नहीं मैं इनिशियल्स से भी निकाल दूंगी डोंट वरी एक ही जल मैसेजेस कार्ड में निकलने वाली हूँ देख लेते हैं ओके इफ यू बिलीव देर इज समथिंग बेटर इफ यू बिलीव दैट देर इज समथिंग बेटर लिसन टू योर इंट्यूशन ओके परफेक्ट टाइमिंग देखा तो सही समय दीजिए ये पर्सन आपको सही समय पे ही मिलेंगे ठीक है डेस्टाइंड मिट है बट वो सही समय में मिलेगा मतलब यहाँ पे एक आवर सैंड ग्लास है इसका मतलब है वक्त होगा वक्त लगेगा लेकिन आपको डेफिनेटली मिलेगा इफ़ यू बिलीव दैट देर इज समथिंग बेटर डेफिनेटली बेटर रिलेशनशिप्स आप अट्रैक्ट करने वाले हो लिसन टू योर इंट्यूशन आपके जो इंट्यूशन क्या कहते हैं उसको सुनो क्या बोल रहे है वो जो इंट्यूशन बोलेगा वही होगा और ये भी हो सकता है ये पर्सन आपके जो है ना कॉन्शियस लेवल मतलब जागरण है स्पिरिचुअल अवेकनिंग है इसको बढ़ाने के लिए आ रहे हैं आई डी आईडेंटिटी देखो आईडेंटिटी ओ एल एन ओ एल डी वाई टू बी आर ड जैड किसी का नाम हो सकता है ओके okay. रॉनी किसी का नाम हो सकता है डीनो किसी का नाम हो सकता है लॉ ओके सो जेड आर जी बी आई डी डब्ल्यू वाई एल एंडी फर्स्ट एम मिड नेम लास्ट सेम एनिंग नेम ओके हो सकता है सो टू कैन बी इंपॉर्टेंट सो दिस इज ऑल फॉर ग्रुप नंबर वन आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू सब्सक्राइज Do share and please do comment in the comment section. Till then, keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. हेलो ग्रुप नंबर बी तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है सिक्सटीन से लेके थर्टी फर्स्ट तो देख लेते हैं कि हु यूर डिस्टाइन टू मीन कौन आपके डेस्टिनी में है और क्यों वो पर्सन आपको मिलने वाले हैं वाई व्हाट इज़ द पर्पस क्यूँ आने वाले वन सन कोई तो मकसद होगा कोई तो पर्पस होगा तो डेफिनेटली हम देखेंगे जिस तरह से ग्रुप वन में बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेजेस था तो हम इस तरह से होप करते हैं कि इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेजेस मिलेंगे तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें इंस्टाग्राम में फॉलो करें सो लेट मी सी ओके द फर्स्ट कार्ड हमारे पास है देखो विल ऑफ फॉर्चून ओके नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है टेन सो टेन टेन इज टूगेदर टेन ऑफ पेंडेगल्स ओके वी हैव द टू ऑफ वैंस एरीज लियो एंड सजिटेरियस वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड ओके सो यू यूर डिस्टाइन टू मीट नेक्स्ट हमारे पास है एट ऑफ कप्स है क्वीन ऑफ वैंस है किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड वी हैव द नाइट ऑफ स्वर्ड्स ठीक है बहुत यहाँ पे भी क्लियर मैसेजेस आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक देखो दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन ठीक है और यहाँ पे है थ्री ऑफ पेंटिकल्स तो ये पर्सन टॉरस वर्को कैप्रिकॉन हो सकता है या आप टोरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हो लियो इज इम्पॉर्टेंट हियर एक्वेरियस जो मैं लीब्रा एडिज लियो सेजिटेरियस लियो टॉरस एक्वेरियस स्कॉर्पियो ये चार राशि काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारी है यहाँ पे ओके एयर साइन भी है वाटर साइन भी है फायर साइन भी है सारे साइन से यहाँ पे सो so, यहाँ पे ये बेसिकली जो मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो बेसिकली आ रहे हैं आपके लाइफ में Okay, ये ये सिखाने के लिए आ रहे हैं कि सिर्फ इमोशनल होने से नहीं चलेगा यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल ऑल्सो एट द सेम टाइम ठीक है आपको प्रैक्टिकल भी होना है आपको अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सोचना भी है ओके इट्स लाइक टू गिव यू द इमोशनल स्ट्रेंथ द मेंटल स्ट्रेंथ ये पर्सन आपको हमेशा ही सपोर्ट करने वाले है लाइक अ गाइड लाइक अ मेंटोर और ये पर्सन आपको ये भी सिखाएंगे और आप इस पर्सन को भी सिखाओगे okay? कि बचपना भी हमारे अंदर जो इनर चाइल्ड है ठीक है वो भी ऊपर आने चाहिए सिर्फ और सिर्फ टफ साइड ही लोगों को शो नहीं करना है मतलब देयर शुड बी एन एडजस्टमेंट यहाँ पे देखो दिस इज द ह्यूमन साइड ये है लैंड साइड मतलब इस तरह से है कि लोगों के साथ किस तरह से पेश आना है आई एम नॉट कि आप अच्छे से पेश नहीं आते हो लेकिन इस दुनिया में जहाँ पे सब लोग क्या है ना सब लोग यहाँ पे मैनिपुलेटिव हो सकते हैं कुछ स्पेशली आपके वर्क के जगह पे ठीक है कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आपने अंदरूनी जो ताकत है किस तरह से उसको बढ़ना, बढ़ाना है इन्फिनिटी साइंस हो सकता है ये पर्सन जब आए या एट आपको काफी ज्यादा दिखे ओके okay, तो मुझे यहाँ पे एट 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 ट्रिपल एट भी दिखा तो मुझे इस तरह से ये भी नज़र आ रहा है कि ये रिलेशनशिप में ये बॉन्ड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देने वाले हैं मतलब आपको कुछ लेसेंस यहाँ पे जरूर मिलने वाला है कि जहां पे आप खुद के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो रहे हो यू आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट ऑफ योर सेल्फ यू आर जस्ट गेटिंग मोर गाइडेंस आप गाइडेंस ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बहुत ज्यादा हो रहा है और आप खुशी से झूम रहे हो यहाँ पे ये यह कनेक्शन आपको सिखा रहा है कि किस तरह से आप मतलब अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हो हाउ यू कैन एंजॉय योर लाइफ एट द मोस्ट ठीक है मुझे इस तरह से भी लग रहा है यहाँ पे कि कुछ लोग का यहाँ पे ब्रेकअप होने के बाद दिस पर्सन इज कमिंग टू योर लाइफ आफ्टर वेटिंग बट ये पर्सन जो है ना मुझे लग रहा है आप दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है और यही डिफरेंसेस एक दोनों को एडजस्ट करना सिखा देंगे लाइफ में आई टोल्ड यू ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में क्यों आ रहा है आपके लाइफ में ग्रोथ कराने के लिए आ रहा है हो सद आपके करियर में काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं आपके मेंटेलिटी में चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज दिस पर्सन इज गोइंग टू टर्न योर फॉर्च्यून टू अ थ्री सिक्सटी डिग्री मतलब पूरी तरह से ये पर्सन आपके भाग्य को आ देखो भाग्य को तो बदल नहीं दिया जा सकता लेकिन इम्प्रूव करवाया जा सकता है ये पर्सन आपके इम्प्रूवमेंट के लिए आ रहे हैं आप देखो कि ये पर्सन आने से आपके लाइफ में कितना ज्यादा तरक्की हो रहा है आप कितना ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपकी लाइफ कितना ज्यादा स्मूद होते जा रहा है धीरे 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 हर एक चीज का सोल्यूशन आपको मिलते जा रहा है जो आपको पहले नहीं मिल रहा था ये पर्सन अचानक ही आपको मिलेगा जब आप कोई रिलेशनशिप से मूव ऑन करोगे ठीक है मुझे लग रहा है इस तरह से एंड सम ऑफ यू ये पर्सन से मिलने के बाद आफ्टर यू मीट दिस पर्सन आप बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हो रहे अपने करियर के लिए जो आपने कभी भी इतना ज्यादा फोर्सफुली हो सकता है कि आप करियर ओरिएंटेड थे ही पहले से आप अच्छा अपना करियर के लिए अपना लाइफ के लिए आप बहुत कुछ सोचते थे लेकिन आपका जो गोल है आपका जो मकसद है वो पूरी तरह से क्लियर देखना शुरू हो जाएगा बिकॉज आपको लाइट मिल जाएगा ना रोशनी आपको मिल रहा है इस अंधेरे में ठीक है यू कैन सी दैट थ्री ऑफ पेंटेगल्स का आप स्टेप वाइज आपका सक्सेस होगा ये रिलेशनशिप भी स्टेप बाई स्टेप इम्प्रूव होगा ठीक है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट स्टेप बाई स्टेप है समझ में आ रहा है ओके नेक्स्ट इज दैट कि ये जो है ना यहाँ पे सन 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 बहुत ज्यादा जगह पे सूरज है ये पर्सन जो है ना आपको बहुत ज्यादा मतलब आप इनसे की, काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए आधर ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे या ये जो इंसान होंगे ना ये इनको हमेशा लोग एक आइडियल मानते होंगे ठीक है अपने लाइफ में काफी ज्यादा पॉपुलर हो सकता है इंसान मे बी अ लॉयर मे बी अ कोच मे बी अ मैनेजर कॉर्पोरेट सेक्टर्स ठीक है ये सारे इंडस्ट्रीज में अच्छे पोजीशन में खास अच्छे पोजीशन में हो सकते हैं आप इनको मिलोगे एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है मे बी थ्रू इंटरनेट यू कैन मीट मे बी थ्रू फ्रेंड्स नेटवर्क यू कैन मीट मे बी थ्रू एनी वे आर गोइंग टू मीट मे बी पब्लिक कोई गैदरिंग है अचानक आप उनको मिल रहे हो कोई सेलिब्रेशन चल रहा है आप मिल रहे हो ट्रैवल कर रहे हो आप मिल रहे हो इस पर्सन से ट्रैवलिंग का भी यहाँ पे कुछ है ठीक है तो मुझे इस तरह से लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा मूव ऑन करने के बाद ये पर्सन की तरफ ही आप मूव कर रहे हो यू आर गोइंग टू मीट योर डेस्टाइन पार्टनर दैट इज योर सोलमेट दैट इज द सन ठीक है तो यहां पे ऑटोमेटिकली कोई कनेक्शन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है ऑटोमेटिक मे बी इट इज गोइंग टू गेट रिकनसे अदर तो रिकनसिलेशन हो रहा है या न्यू बिगिनिंग्स आर वेटिंग और ये पर्सन आपको ये सिखाएंगे कि किस तरह से हर एक चीज को हैंडल किया जा सकता है स्मूथली एंड कंसिस्टेंटली ठीक है तो देख लेते हैं और क्या ये पर्सन आने वाले हैं क्यों आने वाले एट टू टेन 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 बहुत ज्यादा आपको दिखना शुरू हो जाएंगे या एट इन एट टू टेन वीक्स या मंथ्स आप इस पर्सन से मिलोगे ओके सो यू आर बी मीटिंग दिस पर्सन क्यों मिलोगे नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द गार्डन ग्रुप वन में भी आया था we have the देखो गार्डनर दिस this द कनेक्शन दो कार्ड card nikla है इमोशनल फ्रीडम एंड इन एंड yang सो so, दिस is द इन एंड यंग एनर्जी तो इसलिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे पर्सन आपको सिखाएंगे कि कोऑपरेशन करके ही काम को आगे बढ़ाया जा सकता है दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप क्या होगा इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग जब तक ये बैलेंस नहीं होगा दिस इज द कनेक्शन दिस इज इन एंड यांग कनेक्शन ठीक है यहाँ पे देखो दिस इज द ब्लैक साइड दिस इज द व्हाइट साइड बट बोथ ऑफ यू आर वेरी हो सकता है कि दोनों के अंदर बहुत ज्यादा सिमिलर क्वालिटीज हो या दोनों ऑपोजिट हो लेकिन होते हुए भी आप दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर हो एक दूसरे का जो कमी है आप लोग फुलफिल करोगे इसीलिए ये कनेक्शन बना है ठीक है एक दूसरे ने आप आप लोगों ने प्रॉमिस किया था यू हैड मेड अ सोल कॉन्ट्रेक्ट कि एक दोनों दूसरे के साथ यूनियन में तभी आओगे जब आप बैलेंस करोगे जब आप खुद ब खुद सेटिस्फाइड लाइफ में यहाँ पे इमोशनल फ्रीडम आपको मिलने वाला है आपको ये पर्सन इमोशनली बहुत ज्यादा देंगे क्योंकि इमोशनल जो आपका हेल्थ है वो अच्छा होगा ठीक है स्पिरिचुअल हेल्थ है इमोशनल हेल्थ well है इमोशनल वेलबींग है ठीक पैसे से ही नहीं होता ये पर्सन आपको ये भी सिखाएंगे कि देखो यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको बताया तो अपने काम में किस तरह से फोकस करने चाहिए यहाँ पे देखो डाइवर्टेड हो सकते हो आप अपने काम में लेकिन ये पर्सन आपको सिखाएंगे कि अपने काम के वक्त काम ही करना है दूसरी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना है ताकि तरक्की आपको मिले ओके बिकॉज इन एंड यंग मतलब ही होता है लाइफ पर्पज को फुलफिल करना चाहे वो लाइफ परपज कुछ भी हो ये कनेक्शन आपको बहुत ज्यादा इतना ज्यादा हैप्पी करेगा मैं आपको क्या मीट यू विल ट्रेवल बोथ ऑफ यू एक्सप्लोर इच अदर एक दूसरे को आप लोग एक्सप्लोर करोगे फाइंड आउट करोगे और ये कनेक्शन होके रहेगा दिस मिल डेफिनेटली बी देर ओके अभी हम देख लेते हैं कि एंजल्स क्या बोल रहे हैं उसके बाद हम देखेंगे कि इनिशियल्स क्या है ओके सो लेट मी सी एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं इस कनेक्शन में वन टू थ्री इफ़ यू बिलीव नो एंड देर इज समथिंग बेटर ये दोनों ही कार्ड ने आया था अगर आपको लगता है ठीक है इफ़ यू बिलीव दिन देर कनेक्शन इज़ देर अगर आप विश्वास करते हो तो ये कनेक्शन है वरना नहीं है और अगर आप विश्वास करते हो इससे बेटर हो सकता है आपके लाइफ में तो होगा ये कनेक्शन और भी आपको ज़्यादा मजबूती देगा ओके ऑल राइट एंड बॉटम ऑफ द कार्ड क्या था यहाँ पे? परफेक्ट टाइमिंग देखो परफेक्ट टाइमिंग था यहाँ पे मीट होने में ऑफकोर्स यंग इस तरह का एनर्जी है कि जहाँ पे एक अंधेरा एक रोशनी तो दोनों मिलने में ओके okay, टाइम तो लगेगा यहाँ पे वन नॉर्दर्न साइड वन साउथर्न साइड आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं लेकिन दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हुए भी आप लोग का यूनियन यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है बिकॉज दोनों ऑपोजिट एनर्जी अट्रैक्ट हो रहे हैं और होते हुए वो कुछ मैजिकल क्रिएट कर रहे हैं नेक्स्ट मी सी सब के सी क्यू डब्ल्यू देखो टेन यहाँ पे भी आ रहा है तो बदलने वाला है गाइस लाइफ बदलने वाला है बहुत हद तक एस एक्स सिक्स एस डब्ल्यू एन तो काफी ज्यादा सेक्शुअल वाइब्स भी मुझे मिल रहा है ओके सो ये पर्सन का फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिड नेम हो सकता है ओके okay? या इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है नाइन ओके सो दिस इज ऑल अबाउट टू रीडिंग आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू सब्सक्राइब शेयर एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन टिल देन टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डार्कनेस थैंक यू यूज